नमस्कार दोस्तों नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे नेक्स्ट मूव करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ में आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्नेलिन चार्ट यूज टू असेस द डिफेक्ट ऑफ जो स्नेलिन चार्ट है वो किसके डिफेक्ट को असेस करने के लिए यूज किया जाता है पहला ऑप्शन है ईयर सेकेंड ऑप्शन है नोज थर्ड ऑप्शन है आई फोर्थ ऑप्शन है फिंगर तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आई जो स्नैलिन चार्ट है वो किसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है आई को असेस करने के लिए अब इसमें क्या होता है इसमें जो ब्लैक लेटर में ब्लैक लेटर में क्या होते हैं अल्फाबेट लिखे होते हैं अल्फाबेट्स लिखे होते हैं कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में ब्लैक लेटर में लिखे होते हैं और इसको सिक्स मीटर की डिस्टेंस से देखा जाता है अब जैसे मान लीजिए लेफ्ट आइए राइट आइए तो एक आंख को बंद करके सिक्स मीटर की डिस्टेंस से देखते हैं यदि प्रॉपरली हम जैसे पढ़ पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख पाते हैं सिक्स बाई सिक्स मतलब छ छ मीटर की दूरी से हम कंप्लीटली देख पा रहे हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द परमानेंट मेथड इन मेल मेल के के अंदर के लिए परमानेंट मेथड कौन सा है पहला ऑप्शन है कॉन्डोम सेकेंड ऑप्शन है वैसेक्टोमी थर्ड ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी फोर्थ ऑप्शन है आईयूडी इंसर्शन अब यहाँ देखिए जो वेसेक्टोमी इसका जो करेक्ट आंसर है जो मेल होते हैं उसमें जो वैसेक्टोमी की जाती है परमानेंट मेथड स्टलाइजेशन के लिए वही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या की जाती है ट्यूबेक्टोमी की जाती है और ये कॉन्डोम है ये हो गया आपका बैरियर मेथड और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था पहला ऑप्शन है 1952 सेकंड है 1958 थर्ड है नाइनटीन सिक्सटी टू फोर्थ है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था नाइनटीन फिफ्टी टू को अब वहीं हम नाइनटीन फिफ्टी एट की बात करते हैं तो नाइनटीन फिफ्टी एट में कौन सा प्रोग्राम आया था नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम एन एम ई पी कब आया था नाइनटीन फिफ्टी एट में और वहीं हम 1962 में बात करते हैं तो 1962 में आया था नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम एन नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था आपका 1962 में और वहीं पे हम देखते हैं 1965 में क्या आया था 1965 में आया था मुखर्जी कमेटी मुखर्जी कमेटी मुखर्जी कमेटी कब आई थी 1965 में तो आपके यहाँ चार क्वेश्चन हो गए नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टू एन एम ई पी नाइनटीन फिफ्टी एट एन जी सी पी नाइनटीन सिक्सटी और मुखर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनेटल पीरियड एज न्यूनेटल पीरियड होता है पहला ऑप्शन है अप वन ईयर ऑफ एज सेकेंड है फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज ऑफ लाइफ फोर्थ ऑप्शन है ट्वेंटी एट डे टू दिन ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ट्वेंटी एट डे ऑफ लाइफ को क्या बोला जाता है न्यूनेटल पीरियड बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क ह्यूमन मिल्क होता है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी जो एनर्जी लेवल कितना होता है पहला ऑप्शन है 50 किलो कैलोरी पर 100 एम सेकेंड ऑप्शन है सेवनटी किलो कैलोरी पर हंड्रेड एम एल थर्ड है हंड्रेड किलो कैलोरी पर हंड्रेड एम एल फोर्थ ऑप्शन है किलो कैलोरी पर हंड्रेड एम एल तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है, कैलोरी पर हंड्रेड एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन जो मेन मसल्स होती है इंस्पायरेशन के लिए वो कौन सी होती है पहला ऑप्शन है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सेकेंड है डायफ्राम, थर्ड है फोर्थ है रेक्टस तो एबडोम है, है के लिए वो कौन सी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सीजी टू असेस द फंक्शन जो ईसीजी यूज की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो कि, किसको फंक्शन को असेस करने के लिए की जाती है पहला ऑप्शन है ब्रेन सेकेंड है किडनी थर्ड है लिवर फोर्थ है हार्ट तो ईसीजी किसको यूज असेस करने के लिए यूज की जाती है वो की जाती है हार्ट को असेस करने के लिए की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बाइटोट स्पॉट इन कंजक्टाइवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ जो बाइटोट स्पॉट होते हैं कंजक्टाइवा में ये किसकी डेफिशिएंसी का साइन है पहला ऑप्शन है विटामिन डी सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी ट्वेल्व थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी सिक्स

प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है आपने मिल्क की पैकेट पे भी देखा होगा पॉस्चुराइज मिल्क तो इसमें क्या होता है इसमें जो मिल्क का टेम्परेचर है वो 63 डिग्री से तक लेके जाते हैं और इसके बाद में 72 डिग्री पे 15 सेकंड के लिए लेकर जाते हैं 15 सेकंड के लिए कितने कितने डिग्री पे लेके जाते हैं सेवनटी डिग्री सेवेंटी डिग्री पे फिर उसको क्या कर देते हैं एकदम ठंडा कर, है, कर देते हैं कोल्ड कर देते हैं

इन्हेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम कॉज यदि कॉटन फाइबर की जो डस्ट है उसको लंबे समय तक इनहेल करने से क्या प्रॉब्लम होगी क्या कॉज होगा पहला ऑप्शन है सिल्कोसिस सेकंड है एंथ्रेकोसिस थर्ड ऑप्शन है बाइसनोसिस फोर्थ ऑप्शन है बेकोसिस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाइसनोसिस जब यदि कॉटन डस्ट को लंबे समय तक यदि इन्हेल करेंगे तो क्या हो जाएगा बाइसनोसिस होता है इसके अलावा पहला ऑप्शन में दिया है सिल्कोसिस सिल्कोसिस किसकी वजह से होता है सिल्कोसिस होता है सिल्का डस्ट की सिल्का डस्ट यदि लंबे समय तक यदि आप इन्हेल करते हैं तो सिल्कोसिस हो जाता है और एंथ्रेकोसिस किसकी वजह से होता है एंथ्रेकोसिस होता है किसकी वजह से कोल्ड डस्ट जो कोल फील्ड में काम करते हैं जो कोल डस्ट लगातार यदि इनहेल करेंगे तो क्या हो जाएगा एंथ्रेकोसिस हो जाता है। और बेगोसिस होता है सुगर कैन सुगर कैन डस्ट जो गन्ने की गन्ने की फैक्ट्री मिलों में काम करते हैं उसमें चीनी की मिल होती है उसमें क्या होता है सुगर कैन डस्ट होती है और लंबे समय तक वो इनहेल करते हैं तो उनको क्या हो जाता है बेगोसिस तो इसको आप नाम से भी समझ सकते हो जैसे सिल्कोसिस सिल्का आ रहा है इसमें इसके अलावा बाइसोसिस बाइसनोसिस का हुआ कॉटन हो गया और बेगोसिस क्या मतलब सुगर कैन सुगर कैन हो गया है और इधर एंथ्रेकोसिस का क्या है कोल्डस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर है वो किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है पहला ऑप्शन है ओ पॉजिटिव सेकंड है ओ नेगेटिव थर्ड ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव फोर्थ ऑप्शन है ए बी नेगेटिव तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओ नेगेटिव होता है वो कौन होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और इसके अलावा यदि बी पॉजिटिव की बात करते हैं तो ए बी पॉजिटिव क्या होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो ए बी पॉजिटिव है वो किससे सब सबसे ले सकता है वही ओ नेगेटिव है सबको दे सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा पहला ऑप्शन है एक्रोमेगाली सेकंड ऑप्शन है ड्वार्फिज्म थर्ड ऑप्शन है क्रिएटेनिज्म फोर्थ ऑप्शन है रिकेट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिएटेनिज्म जो यदि चिल्ड्रन में हाइपोथर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है क्रिएटिनिज्म होता है और तो वहीं हम बात करते हैं यदि एडल्ट में होता है एडल्ट में हाइपो हो जाए तो क्या होगा उसको होगा मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा हो जाता है ये चिल्ड्रन में क्रिएटिनिज्म एडल्ट में मिक्सोडीमा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 डे ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड एडल्ट नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है अट्ठाईस साल का कोई व्यक्ति है तो उसका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड कितना होगा पहला ऑप्शन है हंड्रेड एम एम एच जी सेकेंड है वन ट्वेंटी थर्ड है वन वन फोर्टी फोर्थ है वन सिक्सटी एम एम एच जी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन ट्वेंटी एम एम एच जी जो नॉर्मल बीपी होता है सिस्टोलिक होता है वन ट्वेंटी एम एम एच जी और डायस्टोलिक होता है 80 एम एम एच जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज मार्कली इन जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाती है किस कंडीशन में पहला ऑप्शन है टाइफॉइड फीवर सेकेंड है मलेरिया फीवर थर्ड ऑप्शन है रियोमेटिक फीवर फोर्थ ऑप्शन है डेंगू फीवर तो डेंगू फीवर में क्या होता है प्लेटलेट काउंट हो जाती है कम और टाइफॉइड फीवर में डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू ओबेज एक एडल्ट है जिसको ओबेज डिक्लेयर कर सकते हैं इफ़ बी एम आई इज मोर देन यदि उसकी बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स यदि इससे ज़्यादा है तो हम उसको ओबेज डिक्लेयर कर सकते हैं पहला ऑप्शन है ट्वेंटी सेकेंड है ट्वेंटी फाइव थर्ड है थर्टी फोर फोर है थर्टी फाइव तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्टी थर्टी से यदि एबअब होगी तो बी एम आई तो हम इसको नॉर्मल ओबेज बोल सकते हैं अब यदि बीएमआई की बात करते हैं तो बीएमआई होती है बीएमआई बीएमआई इसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है नॉर्मल रेंज कितनी होती है नॉर्मल होती है 18.5 पॉइंट फाइव से लेकर ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन वहीं हम अंडरवेट की बात करते हैं तो यदि 18.5 से कम है बिलो 18.5 है तो क्या हो जाएगा अंडर वेट अंडर वेट और यदि 25 से लेकर हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा ओवर वेट ओवर वेट और वहीं पे 30 से लेकर 34.9 हो जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा ओबेज और वहीं पे अब थर्टी फाइव हो जाए थर्टी फाइव हो जाए तो इसको बोला जाएगा एक्सट्रीमली ओबेज ओबेज अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कब एक्सट्रीमलीयर करेंगे थर्टी फोर पॉइंट नाइन अब इसमें कितना दिया है थर्टी तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्टी होगा इस तरह से कोई बीएमआई का क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का कामुनेस्ट कोज क्या है पहला ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशियंसी सेकेंड है कैटरेक्ट थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोमा फोर्थ ऑप्शन है रिफ्रेक्टिव एरर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैटेरेक्ट कैटेरेक्ट कॉमुनेस्ट कॉज है इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड जो न्यू सेल का नंबर इंक्रीज हो जाना इसको क्या कहा जाएगा पहला ऑप्शन है हाइपरट्रॉफी सेकंड है एट्रोफी थर्ड ऑप्शन है हाइपरप्लेसिया फोर्थ ऑप्शन है मेटाप्लेसिया तो यदि देखिए नंबर ऑफ यदि इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ सेल तो क्या बोला जाएगा इसको बोला जाता है हाइपर हाइपरप्लेसिया और यदि वहीं पर इंक्रीज हो जाए साइज ऑफ सेल यदि सेल का साइज इंक्रीज होता है तो उस पे क्या उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है हाइपर ट्रॉफी वहीं एक कंडीशन है इसमें दी हुई है एट्रोफी एट्रोफी किसको बोला जाएगा एट्रोफी बोला जाएगा यदि डिक्रीज हो जाए यहां इंक्रीज एट्रोफी में क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा डिक नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो जाए तो क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा एट्रोफी वही मेटाप्लेसिया है मेटाप्लेसिया का मतलब है यदि सेल एक तरह की सेल है वो चेंज हो जाए दूसरी तरह की सेल में जैसे वन टाइप सेल है वन टाइप सेल सेल ट्रांसफॉर्म एनोदर टाइप ऑफ सेल यदि एक एक तरह की सेल है वो दूसरी तरह की सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसको बोला जाएगा मेटाप्लेसिया वहीं पे हाइपर हाइपर प्लेस हाइपर प्लेसिया का मतलब क्या होता है यदि नंबर ऑफ जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए एट्रोफिक का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल है वो डिक्रीज हो जाए हाइपर का मतलब है साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेल्दी मैन वेट के जी वेट द टोटल बॉडी वाटर इज एक्सो अप्रोक्सीमेटली तो आपको याद रखना है यदि हेल्दी पर्सन है तो उसका जो वेट कितना दिया है इन्होंने सत्तर किलो दिया है तो उसके बॉडी में वाटर कितना होगा तो बॉडी में वाटर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एडल्ट इन्फेंट होता है इन्फेंट होता है उसमें बॉडी में वाटर कितना होता है एट्टी परसेंट होता है एडल्ट होता है एडल्ट में कितना परसेंट होता है 60 होता है वही ओल्ड है तो ओल्ड में कितना परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट होता है अब हमको देखना है यहाँ पे कैसा दिया है हेल्दी ह्यूमन दिया है तो वो एडल्ट है तो एडल्ट का कितना परसेंट वाटर है बॉडी में सिक्सटी परसेंट अभी हमको सिक्सटी परसेंट निकालना है किसका सेवेंटी के जी का तो सिक्सटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई कर देंगे सेवनटी के जी से तो ये हो गया आपका सिक्स मल्टीप्लाई सेवन फोर्टी टू तो उसका बॉडी में जो वाटर है वो कितना है सेवनटी के जी का फोर्टी टू लीटर और यदि यहीं पे क्वेश्चन में आ जाता यदि ओल्ड है 72 टू का ओल्ड है तो आपको कैसे निकालना था तो 55 फाइव अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई कर देते आप 70 से 70 से इस तरह से और ये हो गया तो इसका होगा यदि ओल्ड होता है यहां पे तो इसका जो बॉडी वाटर होता है वो होता है थर्टी एट पॉइंट फाइव के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज तो आर्टीरियल ब्लड की जो नॉर्मल पीएच कितनी होती है अब इसमें नॉर्मली पीएच पूछा है तो ब्लड की पीएच कितनी आर्टीरियल ब्लड की पीएच कितनी होती है सेवन पॉइंट फोर वैसे सेवन पॉइंट थ्री फाइव से लेकर सेवन पॉइंट फोर फाइव होती है अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन में देगा कि आपको दे देगा पहले ऑप्शन में सेवन पॉइंट थ्री फाइव और आपने सेवन पॉइंट फोर सेवन पॉइंट फोर फाइव और सेवन पॉइंट फाइव इस तरह से ऑप्शन में दे देगा तो आपने कभी कभी आपने देखा है जो रेंज होती है वो कितनी होती है सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव और उसने सेवन पॉइंट थ्री फाइव भी दे दिया फोर फाइव भी दे दिया तो आपको मिडिल रेंज भी यदि दिया हुआ है सेवन पॉइंट फोर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेवन पॉइंट फोर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक फ्लूड इज आइसोटोनिक फ्लूड है पहला ऑप्शन है जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट है जीरो पॉइंट फोर फोर फाइव परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड और नेक्स्ट है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड तो जो आइसोटोनिक फ्लूड इसमें से कौन सा है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद